इतनी गरीबी हालत भी थी और संसार उजड़ गया था उस नारी का, पति को लेकर सती हो गई। ये बार बार राजा भर्तृहरि के मन में बात आ रही और वो दृश्य याद आ रहा है, देखा है ना आंखों से, तो बार बार वो दृश्य आ रहा है। घर को आए, पिंगला इंतजार में बैठी थी, कहा स्वामी इतनी देर कहाँ कर दिया तुमने, तुम तो कह रहे थे मैं जल्दी आ जाऊंगा, तुम तो नहीं जानते थे कि एक पल भी मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाती हूँ, इतनी देर कहाँ कर दिया। महाराज ने कहा क्या बतावे, थोड़ा सा हम बिजी थे। किसमें बिजी थे? अरे कहा मैंने देखा कि एक नारी, जैसे कहा एक नारी, जैसे कहा एक नारी, नारी पिंगला बहुत गुस्सा में आ गया, क्योंकि नारियों में एक खूबी होती भैया, किसी नारी की बढ़ियाई अगर अपने नारी से आप करेंगे तो भगवान ने जाना खाना कितन का मिली, वो थोड़े जानती क्या मुसीबत थी। वो स्वामी जी ने भी लिखा है मानस में कि मोहे न नारी नारी के रूपा, के रूपा पन्नगारी यह चरित अनुपा। नारी कभी नारी की बढ़ियाई नहीं सुन सकती। राजा भर्तृहरि ने अपनी नारी से कहा देवी जी मैंने जंगल में जो दृश्य देखा, एक नारी देखी मैंने, एक सती नारी देखी। पिंगला ने कहा कौन सी सती नारी? कहा देखिए उनका पति मर गया और पति के साथ में सती हो गई। पिंगला ने कहा तो कौन बड़ी सती हो गए, उसमें कौन बड़ा काम कर दिया? कहा क्यों, पति के साथ सती हो गई, ये बड़ा काम नहीं? पिंगला ने कहा कुछ नहीं, तुमको हम बतावे पतिव्रता, पतिव्रता हम तुम्हें बतावे। कहा नारी पतिव्रता हम बतावे, पतिव्रता हम तुम्हें बतावे, हो वही पति सती हो। पतिव्रता नारी तो हम तुमको बतावे कि पति जिंदा हो नारी सती हो जाए। राजा भर्तृहरि बात अलग हो गया, यह बात नई बात सुन गया। अब उनके मन में भी इस बात पर विचार होगा कि जब पति जिंदा है तो नारी सती कैसे हो जाए, भाई जेकर पति जिंदा बैठा तो नारी कैसे सती हो जाए। राजा भर्तृहरि बार बार सोच रहे ये बात आखिर कैसे है। बीच में गुरु गोरखनाथ जी आए थे और पिंगला से कहा था हम तुम्हारे पतिदेव को योगी बनाएंगे। पिंगला ने कहा था जाओ तुम्हारे जैसे बहुत बाबा आते हैं, मेरे पति को योगी कैसे बनाओगे, मैं इतना उसे प्रेम दूंगी, मैं इतना प्यार दूंगी कि संसारिक मोह ममता से वो छूटेगा ही नहीं। तो गुरु गोरखनाथ ने राजा भर्तृहरि के घर में कील में झोली टांग दे और चले गए थे कि एक दिन यह झोली लेके राजा जोगी हो जाए।
उसी दिन से रानी और हाव भाव प्रेम में रहने लगी कि एक पल भी इनको इधर उधर हम जाने ही नहीं देंगे। पिंगला जी अब ये बात सुनती है तो एक पिंगला अपने आंगन में एक चंदन का वृक्ष लगा लिया और हाथ जोड़ कहने लगी, सुनो चंदन के रूख पति के कहूं जूझई समर में तुम घर में जइयो सूख। अगर हमारे पति कहीं जो मर जाए तो तुम यहां सूख जाओ ताकि हम जान जाए कि हमारो पति मर गए। आकाशवाणी भी हो गई पिंगला, जब तेरा पति मरेगा ये वृक्ष सूख जाएगा। अब उसको कोई टेंशन नहीं, उसको जानकारी भी है कि भाई वृक्ष देखती बढ़िया हरा भरा लहरा रहा, ठीक है। राजा भर्तृहरि के मन में बार बार वही दृश्य आ रहा कि पति अगर जिंदा है तो नारी सती कैसे होगी। ये बताइन है ना कि ऐसी पतिव्रता होती है कि पति जिंदा हो नारी सती हो जाए। राजा भर्तृहरि तो बार बार ये सोच रहे ऐसा कैसे होगा। फिर एक दिन विचार किया, अपने नौकर से कहा चलो मेरे साथ शिकार खेल ले। नौकर ने कहा महाराज कभी हमें तो नहीं ले जाते थे। कहा जो हम कह रहे हो सुनिए, ठीक है चलो। पिंगला से महाराज भागीरथ जी भर्तृहरि फिर बोले कि मैं शिकार जाऊंगा। कहा नहीं, उस दिन तो गए थे एक सती को बता रहे थे, अब तुमको जंगल वंगल कहीं नहीं जा रहे, कहीं नहीं जाएंगे और तुरंत योग जाएंगे तुरंत वापिस लौट। कहा ठीक है स्वामी जल्दी आना, तुम तो जानते हो कि तुम्हारे बिन बोलो कैसे रहबे तुम्हारे बिन, बोलो कैसे रहबे तुम्हारे बिन, बोलो कैसे रहबे। कहा बोलो जल्दी स्वामी घर आइयो, यह बात लियो मोरी मान, तुम बिन रहना पाऊंगी तुम हो मेरी जान, तुम्हारे बिन बोलो कैसे रहबे तुम्हारे बिन, बोलो कैसे रहबे तुम्हारे बिन। बस मैं जल्दी आ जाऊंगा। पिंगला ने कहा ठीक है। पिंगला दरवाजे पे खड़ी देख रही और राजा भर्तृहरि बैठ लिए घोड़े पर और चल दिए शिकार के लिए। और नौकर भी साथ में गया, नौकर को भी साथ ले गए। जब राजा जंगल में पहुंचे एक हिरण को देखा, राजा भर्तृहरि ने उस हिरण को मार लिया। जब हिरण को राजा भर्तृहरि ने मार लिया, अपने कपड़े नोच दिए, हिरण के खून में अपने कपड़े साने, इधर लगाया सब कपड़ों में खून। नौकर देख रहा विचार कर रहा है महाराज को आज क्या होगा, दिमाग हटेगा का, हिरण को मारे फिर अपने कपड़े फाड़े फिर उसी में सब कहीं इधर उधर खून लगा रहे छींटे लगा रहे। महाराज भर्तृहरि ने नौकर से कहा इधर आ। बेचारा ऐसे डर रहा है। कहा हाँ हाँ सरकार बताइए। कहा मेरे ये कपड़े लेकर के तुम मेरे घर को चले जाओ और मेरी नारी पिंगला को कपड़े दे देना और कह देना महाराज मर गए। अरे नौकर काला मालिक हमारे बस की बात नहीं, तुम नहीं जानो तो रानी बड़ी हठीली है, हम बतावे लागे कहूं दादा जी हम ही को ना मार दिए। राजा भर्तृहरि ने कहा अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अरे नौकर काला तो घर में मरना ठीक है, चल दिए।
राजा भर्तृहरि ने कहा एक बात ख्याल रखना, नारी गुस्सा में अगर तुम्हारे ऊपर तलवार रख भी देगी तब भी ये मत कहना कि राजा जिंदा है। तुम्हें यही बताना है कि राजा को सिंह ने खा लिया। नौकर सोचे लाग देखो जे हम हुक खाई ना ले तब जानो, घरे जाए तो पता चले। महाराज तो जंगल में बैठे, नौकर कपड़ा लेकर के घर आ रहा, महलों में पहुंचा, रोने लगा। महारानी ने कहा क्या बात है और महाराज क्यों नहीं आए? कपड़े फेंक दिया, चिल्लाने लगा महारानी कहा बताई महारानी राजा अब नहीं आएंगे। क्यों क्या हुआ ये कपड़े ये खून में, आखिर बात क्या कहा महाराज? अरे एक सिंह गवा वहां आई है, नौकर महारानी पिंगला से कहने लगा महारानी जी एक सिंह गवा वहां आई है, महाराजा सिंह वहां पे आ गया जंगल में जिसने महाराज को खा लिया। रानी पिंगला ने कहा महाराज के साथ तुम थे? हाँ महारानी जी, मेरे सामने महाराज को इस तरह से नोच नोच के सिंह ने खा लिया। महारानी ने कहा तुम कैसे बच गए? कभी तलवार निकाला काट के तुम्हें फेंक देंगे। अरे नौकर नौकर महारानी मुझे मत मारो। फिर याद आ गई कि राजा साहब कहीं ना अगर बता दे हो तो तुम मार डाले। सोचे थे महाराज मार डालेंगे, फिर कहा बोलते क्यों नहीं हो? कहा नहीं, जब सिंह राजा को खाने लगा मैं पेड़ पर चढ़ गया। महारानी जी बिरवप न चढ़ जाते तो हम खा लेते, लेकिन बात तो खैर बन गई। काम में वृक्ष पे चढ़ गया था पेड़ पे। महारानी ने कहा अभी पता चल रहा है, पेड़ लगाई है ना घर में, अगर पेड़ सूख गया होगा तो मान लेंगे। अजय पेड़ के पास नहीं देखा, अरे पेड़। रानी ने जब वृक्ष देखा वो हरा भरा लहराई है भैया हरा भरा लहराई है। सोच लिया मेरा पति मरा नहीं, अगर मरा होता तो वृक्ष सूख गया होता। नौकर से बोली तू झूठ बोलता है, पेड़ क्यों नहीं सूखा? नौकर कहने लगा मलकिन आप समझदार हैं, आप महारानी हैं, खुद समझिए। ये पेड़ पौधों की बात तुम मान रही हो? अरे इनमें जब तक खाद पांच देती रहोगे तब तक ये हरे बने रहेंगे। मैंने अपनी आंखों से देखा, तुम मेरी नहीं मानती और इन पेड़ पौधों की बात में पड़ी हो। मेरे सामने सिंह ने राजा को खा लिया।
महारानी विचार करने लगी, क्या मेरे पति को वास्तव में सिंह ने खा लिया? ऐसी सदमा पहुंची, महारानी ने सोचा हाय मेरे पति को सिंह ने खा लिया। हाँ महारानी खा लिया, सत्य खा लिया। हाँ जैसे एकदम से रानी गिरी और मर गई। महारानी पिंगला मर गई। अरे नौकर भगा, महाराज महाराज क्या बात, कहा महारानी मर गई। महाराज दौड़ के महलों में आए, रोना चिल्लाना शुरू किया, है बाबा तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई, मैं नहीं जानता था कि तुम मर जाओगी। एक गीत गाते नहीं है कि मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं, ये आजमाने की कोशिश बिचारे राजा रो रहे, क्या करें, मुसीबत की तो बेला है, बहुत रोए चिल्लाए। इतने में हुआ क्या, उसी समय गुरु गोरखनाथ महाराज का पदार्पण हो गया। उसी समय गुरु गोरखनाथ महाराज वहां पर आए। ताहि समय गुरुवर तहां आए, ताहि समय गुरुवर तहां आए, ताहि समय गुरुवर तहां आए, भूप गावया उसी समय गुरु वहां गोरखनाथ महाराज जी आ गए। आवाज लगाई, राजा चिल्ला रहे थे, अरे क्या बात राजन, कहा महाराज मेरी नारी मर गई। गुरु गोरखनाथ राजा के द्वारे अपना कमंडल पटक दिया, कमंडल फोड़ डाला और रोने लगे बैठकर। राजा ने कहा तुम क्यों रो रहे हो? गुरु गोरखनाथ ने कहा आखिर तुम क्यों रो रहे हो? कहा महाराज ने गुरुदेव मेरी नारी मर गई, मैं इसलिए रो रहा हूं। गुरुदेव ने कहा महाराज मेरा कमंडल फूट गया, टूट गया, मैं इसलिए रो रहा हूं। अरे राजा ने कहा गुरुदेव ये कमंडल के लिए रोने की क्या बात है? कहा ये नारी के लिए रोने की क्या बात है, माटी का कमंडल है, माटी की नारी है, शरीर ही माटी का भैया, एक दिन माटी में जाना ही कहा नहीं गया। अरे एक दिन मटी आई माँ मिल गई है सुंदर बाकी देहिया, एक दिन मटी आई माँ मिल गई है सुंदर बाकी देहिया। Yeah।
एक दिन ये मिट्टी का शरीर मिट्टी में जाएगा। तुम्हारे लिए जितना तुम्हारी नारी प्यारी थी राजन, हमारे लिए उतना हमारा कमंडल प्यारा था। राजा ने कहा, लेकिन कमंडल महाराज तो हम उसी तरह के तुरंत बनवा सकते हैं, लेकिन नारी कहाँ मिलेगी? गुरुदेव ने कहा, महाराज उस तरह की नारी तो मिल सकती है, लेकिन उस तरह का कमंडल नहीं बन पाएगा। नारी तो मिल जाएगी, सत्य है। महाराज भर्तृहरि ने कहा, महाराज अगर वैसा हम कमंडल बनवा दें, गुरु गोरखनाथ ने कहा पल भर नहीं लगेगा तुम्हारी रानी को, हम जिंदा कर देंगे। आदेश दिया, भाई माने माने प्रजापति लोग आने लगे। कमंडल दिखाया गया, साइज इस तरह की है, यही बनाना है। सब समय लेकर के गए भाई, बड़ा प्रयास किया बना करके लाए, तो सैकड़ों कमंडल लाए, लेकिन उस तरह का नहीं बन पाया। कोई थोड़ा छोटा, कोई थोड़ा बड़ा, कोई टेढ़ा, एक जैसा तो नहीं बन पाया। गुरुदेव ने कहा, देख लिया राजन, मेरे जैसा वो कमंडल मैंने बताया था वैसा बना नहीं। और रानी की क्या बात है, जल का छींटा लिया हाथ में, जल का छींटा लिया हाथ में, रानी पे मंत्र पढ़ करके मार दिया, और महारानी एक नहीं, एक से एक पिंगल नारी, जाको चंद्र बदल उजियारी, सुंदर काला गई नारी, सुंदरता लागे अति प्यारी, जब राजा ने लीन निहारी, अरे मन में बहुते भय सुखारी, एक नहीं सैकड़ों पिंगला, एक जैसी, सेम टू सेम, फेस टू फेस, वेरी बेस्ट ब्यूटीफुल फेस। राजा बड़े प्रसन्न हो गए, बा भाई तो बड़ा चमत्कार हो गया, लेकिन भी थोड़ी ये लगी है। कहा, ये बताओ भाई तुम्हारी कौन है, अपनी ले लो। अब जब सेम है दादा, तो कैसे पहचान पावे कि हमारी उसमें से कौन है, सब एक ही जैसी। का अपनी ले लो, महाराज ने कहा, महाराज सब हम खा देने का मत, भाई मान गई, अपनी ले, एक बची माया थी सब गायब हो गई, एक बची सब गायब हो गई। महाराज गुरु गोरखनाथ अलख निरंजन चल दिए, चले गए। महाराज जब पिंगला को पा गए, दुख तो दूर हो गया, सुख तो बहुत है अब। अब भाई लेकिन ये हो गई, महाराज के मन में विश्वास इतना हो गया कि दुनिया में नारी तो पतिव्रता बहुत है, लेकिन मेरी जैसी नारी संसार में है तो है ये ना है, क्योंकि जी झूठी बात पे मर गई, कितना बड़ा काम कर गई। झूठी बात पे मर जाए, सुनके ही मर जाए कि हमारो पति लड़के मर गए और नारी पहले न मर जाए, इतनी महान है भाई। सतियों में महान सती हमारी पिंगला नारी है, राजा ने सोच लिया, जाए तो संग, खाए तो संग, अब तो पल भर, एक पल भी जुदा होके रह पाते नहीं है, बड़े भाव से रह रहे। लीला देखिए भगवान की, रचना प्रभु की देखिए, कैसी विडंबना है प्रभु का, भाई कहा ही गया है कि लीला कारण चाहे करता लीला करना चाहे करता।
लीला करन चाहिं करतारा, तो पहिले न कारण करहि तैयार। भगवान लीलाधर कारण तैयार कर दिया। उसी समय राजा भर्तृहरि के दरबार में एक लंबा चौड़ा तंदुरुस्त चुस्त जवान वेरी हैंडसम है, ब्यूटीफुल आदमी के नाम हैंडसम लागे है। अंग्रेजी पढ़ने वाला सुनित है ये कहूं को, तो इसलिए वहां पर जब वो पहुंचा, राजा ने परिचय पूछा, कहा सरकार मैं कुछ काम के लिए आया हूं, मुझे नौकरी चाहिए। राजा ने देखा, विचार किया, नौकर तो बड़ा अच्छा है, क्या काम कर लेते हो? कहा मालिक, मैं वफादारी से आपके यहाँ ड्यूटी निभाऊंगा, जो भी काम आप बताएंगे मैं प्रयास करूंगा कि मैं उसे ईमानदारी से निभा सकूं। राजा साहब ने देखा शरीर के अनुसार तो इसको जहां लगा दिया जाएगा बहुत अच्छी रखवाली करेगा, मैं जैसे हमारे ढोलक मास्टर है इनका कहूं ड्यूटी लगा देंगे, तो शरीर के हिसाब से उम्मीद है कि अपनी लंग कोशिश भर करी है कि भाई कोई एक आध आदमी आए जी तो पेश ना पाइए ना। लेकिन बात ये होती है, मोटे और दुबले की बात नहीं होती, बात हिम्मत की होती है। कुछ मोटे लोगों को हमने देखा है पिट जाते हैं तुरंत, और कुछ पतले लोग होते हिम्मत वाले हैं, दरोगा से भी अकड़ जाते हैं, मार चाहे खाए जाए अकड़ तुरंत जाए, हिम्मत होती है अलग, हौसला। पुण्य प्रमोद और ये हमारे राजेश यादव जी के द्वारा सुशल दान 50 मुद्रा हमको और अंजू इलेचपुर से सुशल दान 50 मुद्रा भगवान के श्री चरणों में दोनों दान समर्पित है, पुष्य कल्याण के जीवन मंगलमय हो, प्रेम से लगे भगवान की। तो इसलिए अवधेश यादव जी वन विभाग से 151 मुद्रा सुशल दान भगवान के चरणों में। देखिए बात ये जो सुशल है वो भी लिखिए और उसमें सुशल लिख दीजिए, इसलिए कि ये तो एक अन्याय हम कर रहे हैं, लोग सोच सकते हैं ये बात कि देखिए महाराज ये सुशल वाला बोल रहे हैं और वो नहीं बोल रहे, ये अन्याय हो रहा है। ये सुशल जिसको देना वो भी कॉपी में लिखाइए और उसमें लिख दीजिए सुशल, और नहीं तो फिर हम बोलना शुरू कर देंगे, फिर सबके बोलेंगे, अगर ये बोलेंगे तो वो भी बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर बैठ कर ये तो भाई बिल्कुल मेरे लिए तो दोनों पैसे एक समान है, चाहे वो कमेटी में जाए चाहे हमको मिले। हाँ हाँ लिखे ना जी, वो लोग खुद समझ गए। अनिल यादव जी भगेला से 101 बताए ससलदान लिखे नहीं जाएंगे, और ये अनिल जी के द्वारा हमारे सभी कलाकारों को 20-20 मुद्रा ससलदान है, भगवान कल्याण के जीवन मंगलमय हो। भक्तों की भावनाओं को हम समझ रहे हैं, अच्छी बात है, बद्रे बाबा उनके हृदय में भक्ति भाव जगाए रखे और सदमार्ग पर चलते रहे, और जिनको स्पेशल देना है भैया जी की कॉपी में ही लिखवा दे, उनसे बता दीजिए कि स्पेशल है, वो स्पेशल लिख लेंगे, बस वो जोड़ा नहीं जाएगा, और बीच में ताकि क्योंकि डिस्टर्ब उतना ही होगा, चाहे हम स्पेशल वाला बोली चाहे वो बोले, वो तो बराबर है, फिर उसमें क्या उससे वो नहीं होगा, और बात कहने में थोड़ा अच्छी कम लगेगी, क्योंकि भाई अगर सोशल वाला बोलेंगे, कुछ लोगों की इच्छा होती है जिज्ञासा कि हमारे सामने हमारा नाम बोल दिया जाए, और जब यूट्यूब चैनल पर सीधा प्रसारण चलता है तो उसमें ज्यादा भी जिज्ञासा बढ़ जाती है कि यार हमारा बोल दिया जाए, बस ये जब मन हो कहूं, जैसे माला ससुराल के तुम जानो था हमारा नाम राम हेत रसिया आएगा, बस अब देखो अब हमारा नाम बोलिए, देखो क्योंकि ये बराबर उसी रहेगा ना, तो आप देखो चाहे 10 साल बाद देखो, सबके फोटो बदले बाबा चलत हो नीचे जी का नाम लिखाओ,
सब ये चलता रहता है, इसलिए और जिज्ञासाएं बढ़ जाती है। खैर, बड़ी अच्छी बात है, आप लोग YouTube चैनल पर हमारा जो है चैनल देखिएगा राम हेत रसिया के नाम से, और एक निवेदन है उसमें सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, उससे हमारा बेनिफिट होगा। और बात इसलिए आपको बता रहे हैं, हमने कल बताया था जिसमें अपना कुछ बिगड़ता ना हो और किसी का बनता हो वो काम अवश्य कर देना चाहिए। भाई आपके एक उंगली रखना है केवल उस पे, लाइक पे उंगली रख देना है और उस पे सब्सक्राइब पर, बेल आइकन पर, घंटी पर। तो अब आप सोचिए, मैं सत्य कह रहा हूँ बदले बाबा के यहाँ, कि अगर हमने उंगली रखे से भगेला और इन भक्तन का अगर कुछ कल्याण होते अच्छा, तो उंगली ने हम पूरा हाथ रखे घुमा कर, हाथ पूरा रखे भाई, उसमें क्या तुम्हारी उंगली टच करने से किसी का अच्छा बनना। तो अगर आप लोग उस मोबाइल में जब देखेंगे, हमारे चैनल पर देखेंगे, तो उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, और लाइक वाला जो अंगूठा ऊपर घोट है आप उंगली लगाना है केवल, जब लाइक कर देंगे तो इससे ये होता है कि धीरे धीरे जब हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, हमारे चैनल पर ज्यादा लोग जुड़ जाएंगे, तो यूट्यूब चैनल की ओर से उसमें हमको कुछ रिटर्न मिलेगा। प्रयास में लगे रहेंगे तो रिटर्न मिलेगा। आज देखिए जो मेहनत बड़ी होती है, दो बच्चे आए हुए हैं लखनऊ से आए हैं, 3 घंटा दिन में बैठे, 3 घंटा अब बन रहा है, इनका भी कुछ उसी में खर्चा पानी लगता है। 1,200 का एक दिन के लिए कैमरा मिलता है, कुल मिलाकर के 4-5 हजार रुपया एक दिन का यूट्यूब चैनल पर चलाने का चार्ज पड़ता है। तो हम सोच रहे हैं लगाते रहेंगे भाई, 1-2-4 हजार इसी तरह से लगाते रहेंगे, आप लोगों से कहेंगे आप लोग सब्सक्राइब करते रहिएगा, 2-4-5 हजार लगावत रहा, तो अगर लौटे लगी आप लोग सब्सक्राइब कर दे हो तो 10-20 हजार लौटे फिर आओ बात है ना, और दूर दूर तक प्रचार भी होगा। तो इसलिए भाई हमारा निवेदन है, अगर आप लोगों को इस बात की खुशी हुई कि यार हाँ चलो हमरे अंगुली टच कर दे महाराज जी का कुछ बन रहा, तो अच्छी बात है। अगर तुम्हारे हृदय में ये खुशी ना हुई, अरे यार वो कहे पावे, तो भैया ना लगाए है वो कहावते है, तुम्हारे कल्याण हुए फिर कहा है भाई, क्योंकि मोबाइल सबके पास बढ़ गए हैं, और सब लोग इस बात को ध्यान करिएगा, और हमें तुरंत मालूम हो जाएगा, सुबह मालूम हो जाएगा हमारी बात को आप लोगों ने वो किया, क्योंकि क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर इतने हैं, हम देख करके बैठे थे 9 बजे इतने सब्सक्राइबर थे, अब आप लोग अगर 10-20-30 सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, हम तुरंत जान जाएंगे कि भगेला में जो भक्त आए थे हमारी बात को स्वीकार कर लिया, ये भी है क्योंकि बोले कि हाँ हमने कर दिया, लेकिन उसमें तो एक एक बढ़ जाता ना, जे जे लोग लाइक करो तो बढ़ जाएगा सारा। कितने लोग इस समय देख रहे हैं, अभी चल रहा है उसी पे लिखा होगा, जो लोग देख रहे हैं उसी पे आता होगा, इतने लोग देख रहे हैं यहाँ, ये सब होता है उसी। खैर अब तक बहुत बड़ा आगे हमारा चैनल हो गया होता, लेकिन इन चीजों में ध्यान, ये भैया जी कहते थे लेकिन हम ध्यान नहीं देते थे। अब 1 महीने से इस पे हमने गौर किया है, 1 महीने से, वरना बहुत आगे हो गए होते और हम जानते नहीं थे, वरना अब तक लाखों मिल चुके होते, ये भी बात है, लेकिन उन्होंने गौर ही नहीं किया। अब बताया तो मैंने कहा चलो ठीक, जात भाई जब से चाहते हो तब से सही, हाँ जो आगे दौड़ गए पकड़ लेंगे उनको, ये हमें विश्वास है पकड़ लेंगे उनको, क्योंकि हमारे भक्त सब ये सोचेंगे भाई कि चलो महाराज जी भी आगे बढ़ जाएंगे। तो आइए वहां पर अश्वपाल नाम का जब भर्तृहरि जी के दरबार में वो नौकर पहुंचा, कहा सरकार हमें ड्यूटी चाहिए, क्या करोगे, जो आप कहेंगे वो मैं करने को तैयार हूँ और प्रयास करूंगा कि मैं ईमानदारी से आपके यहाँ अपना काम करूँ। देखिए चाहिए है, किसी के साथ आप काम कर रहे हैं, चाहे किसी के खेत में या फैक्ट्री में या कहीं पर भी, तो ईमानदारी के साथ वो कार्य करना चाहिए। मालिक से कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। 8 घंटे का पैसा देता है, अगर आप चोरी करके 2 घंटे का समय आप निकाल लिए, 6.5 घंटे काम किए, तो ये भुगतना पड़ेगा। देखिए नहीं संसार में तो देख करके अगर हम करेंगे तो 99% लोग तो पथभ्रष्ट है ही, शपथ पत्र में कुछ और पढ़ते हैं, यहाँ कुछ और करते हैं, वर्दी पहन करके वहां कुछ और बोलते हैं, यहाँ मौका पावे तो टंकी मशीन नलकी डाल कर डीजल बेच लेते सब,
तो ये ना देखिए कि लोग संसार में क्या कर, हमको क्या, कोई भी करता है करने दो भाई, हम अच्छे काम करेंगे तो उसको फल हमको मिलेगा। इसलिए आप लोगों से कह रहे हैं भाई, आप लोग जो है मालिक से वफादारी करना चाहिए, मालिक से वफादारी करना चाहिए। कहा गया है राजा ना अन्यायी होवे ना हाकिम घुसखोर, राजा ना अन्यायी होवे ना हाकिम घुसखोर, और किसी का भाई दुश्मन ना हो नौकर ना हो चोर। केवल इस एक लाइन के लिए हमको एक लाइन बोलना पड़ा, राजा ना अन्यायी होवे ना हाकिम घुसखोर, ना हाकिम घुसखोर हो भैया ना हाकिम किसी का भाई दुश्मन ना हो नौकर ना हो चोर, मेला घूमई अकेला पर मेलन तकरार, मेला घूमई अकेला पर मेलन तकरार, मेन पॉइंट हमको वो लेना है कि किसी का भाई दुश्मन ना हो नौकर ना हो चोर। नौकर चोर नहीं होना चाहिए, ईमानदार सुपाल है। कहा हमको बस, कहा ठीक है तुम मेरे महलों की रखवाली करो, जैसी गया सरकार आपकी दरबार से महलों में जब जाने लगा घोड़ा बिल्कुल बढ़िया टाप से चल रहा है, महारानी जब घोड़ों की टाप की आवाज सुनी, रानी पिंगला अंटा पर से जब देखी इतना हैंडसम आदमी, वेरी बेस्ट, मैंने तो कभी देखा ही नहीं। देखिए गुरुदेव की माया है, गुरु गोरखनाथ की माया है, वही नारी जो पति के झूठी बात में मर गई, आज गुरुदेव की माया काम कर गई। पिंगला ने देखा, मन करे जे देखते ही रहे बार बार, फटाक से नीचे उतर के आई, कौन अश्वपाल नाम है, नई नई ज्वाइनिंग आज हुई है, ड्यूटी आपके महलों की रखवाली की मिली है, आप महारानी जी हैं, आपको सादर प्रणाम है। महारानी ने कहा तुम हाथ क्यों जोड़ते हो, अरे कहा मलकिन माँ के समान हाथ जोड़ना तो चाहिए, और हम ड्यूटी करने आए महलों की देखभाल करना। महारानी पिंगला ने कहीं नहीं, कर गई कर गई कर गई रे, अरे जिगर को घायल कर गई रे तेरी एक नजरिया, तेरी एक नजरिया देख लिया, जैसे ऐसा कहा तेरी एक नजर मेरे दिल को घायल कर गई। अश्वपाल ने कहा अरे मलकिन कहाँ खो गई, आप तो मेरी मलकिन है और मैं तो तुम्हारा नौकर, आप मेरे सर्वे सर्वा, मैं तेरा सर्वेंट हूँ, मैं क्या। कहा नहीं मेरी बात मानो, मैं जो कहूंगा वही तुम्हें करना, हाँ हाँ वो तो मैं तैयार हूँ। बोलिए तो कहा तुम्हें महलों की रखवाली नहीं करना, फिर क्या करना। मेरे दिल की करो रखवाली, मेरा दिल
लकी करो रखवारी उसने कहा मलकिन हमको लगता मेरी मौत आ गई है। कहा ऐसा कैसे हो जाएगा। कहा मलकिन आप तो कह रही है माना मैं तुमसे प्रेम करूं अकेले महाराज जान गए तो समझो हमारो जान गए। राजा अगर जान गया तो मेरा जान गया। और मलकिन मैं दूर रहता हूं यहां से लगभग 200 किलोमीटर दूर जंगल में हमारी कुटिया है। मैं वहां मलकिन ने कहा तो कोई बात नहीं देखिए भाई तो एक बात और बता दे भैया प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं है और प्रेम होना चाहिए। भगवान को पाने का एक साधन प्रेम भी है। प्रभु को कहना भी है राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले वसोई जानन हारा। प्रेम होना चाहिए लव विचार अच्छे होने चाहिए। प्रेम तो कोई गलत नहीं है। हमारा आपसे प्रेम है बच्चों से प्रेम है माता जी से प्रेम है बहन जी से प्रेम है जानवरों से प्रेम है पेड़ पौधों से प्रेम है। ऐसा ऐसा भाई किसी ने फूल लगाए पौधा द्वारे लगाए कहने भैया हमसे रुपया 100-200 ले लो लेकिन विरवा हमारा न छुए। प्रेम है। अब प्रेम किसी से आप कर सकते हैं प्रेम से बात कर सकते हैं कोई बुराई नहीं। हालांकि समाज की नजरें प्रेम में दूषित हो जाती हैं और किसी का भाव प्रेम समझने की कोशिश नहीं करती सीधा समाज के लोग उसको गलत भाव लगा लेते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन समाज हम देखते हैं मान लीजिए कोई बहन जी किसी स्कूल में पढ़ाने जा रही हो और उधर ही से आप बाराबंकी जाते हो 2 किलोमीटर उन्हें रोज छोड़ना हो आप मोटरसाइकिल पे बिठा ले और बहन जी हाँ चलो वहां छोड़ दीजिए आप 2-4 दिन लेकर के जाइए आपका भाव प्रेम है आप उसे सिस्टर मानते हो आपको ब्रदर भैया मानती लेकिन देखने वाले लोग अपनी मानसिकताएं गंदी कर ले उनके मन में दूषित भाव आ जाएंगे। क्यों क्योंकि हमारी सोच हमारी विचारे बदली है खान पान गड़बड़ है इसलिए हमारी सोच विचारे भी बदली है। ये होता है शहरों में देखिए किस तरह से लोग भाव से रहते उस तरह से 1% अगर यहाँ गांव में रहना शुरू कर दो लड़ाई मार शुरू हो जाएगा। अशिक्षा का कारण है। इसलिए भाव प्रेम किसी से हो जाता है ऐसा नहीं भाई। हम तो देखिए हमारे पे फोन बहुत से न जाने कहाँ कहाँ से बहनों के माताओं के सबके आते हैं बड़ा भाव है बढ़िया प्रेम है बहुत माताएं बहनें हमारे व्हाट्सएप से भी जुड़ी हैं और हालचाल पूछा करती हैं सब बड़ा अच्छा सुंदर भाव और कुछ नहीं ये तो भाव प्रेम होना चाहिए भाई। बस तुम्हारा भाव अच्छा हो वहां पर देखिए पिंगला ने जो अश्वपाल से प्रेम किया केवल इसलिए उसका कारण था कि इतना सुंदर नौकर है तंदुरुस्त है ये जिस ओर रहेगा तो मेरे राज में बाल बांका कोई नहीं कर सकता है तेतराक है। इसलिए उसका सोच थी कि भाई ऐसे लोग अच्छे जल्दी मिलते नहीं है इससे भाव प्रेम है अपना प्रेम से रहेगा। पिंगला नारी तो सती है भाव उसके दूषित नहीं है उस भाव में मत सोचेगा भाव प्रेम है। अब प्रेम ऐसा होता है कि जो है जिससे तुम्हारा लगाव बन जाएगा। एक हम घर पे समय की बात बता रहे हैं 20 दिन एक हम डॉग लाए थे घर में
तो वो 20 दिन के 22 दिन घर पे रखे, फिर हमने सोचा इसको बदलने, बड़ा ऊंचा था 25,000 का, और उसके बाद जब वो बोलता कम था, भोंकता कम था, उसे वापस करने गए तो हमारे घर में बच्चे महाराज क्या बताऊं, कुछ कहते नहीं बनता महाराज, तुम्हारे ना छोटे भैया बिकरा माया ए स्वामी बकरी भी हमारा पिंगला कहने लगी महाराज विक्रम जिसने हमारा हाथ पकड़ लिया, भरथरी ने कहा चुप हो जाओ उसे सजा मिलेगी। रानी पिंगला ने कहा नहीं महाराज सजा आप क्या देंगे, मैं तो मर जाऊंगी क्योंकि मेरे शरीर में किसी और पराये पुरुष ने हाथ लगा दिया, या फिर ऐसी सजा उनको ये दी जाए कि उनकी एक भी दलीलें ना सुन करके सीधा उन्हें प्राण दंड दिया जाए। महाराज भर्तृहरि ने हां कर लिया। आप सोचिए भैया ना जाने कौन सी सकती नारी में कछु भेद समझ नहीं आता है, ना जाने कौन सकती नारी में कछु भेद समझ नहीं आता है, नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है, का ठीक है सुबह दरबार लगा। विक्रम भी आए पहुंचे, कहे चली भैया से बताई चले, जैसे दरबार में पहुंचे और कहा भैया को सादर प्रणाम, भर्तृहरि ने कहा दुष्ट इस गंदी जुबान से भैया मत कहना, सीता से भी आगे मेरी नारी जे मेरी झूठी बात पे मर गई इतनी सती महान, तूने ऐसा सोच लिया? अरे कहा नहीं भैया, कहा नहीं दुष्ट कुछ नहीं बोलना तुझे, जल्लादों को आदेश दिया तुरंत इसे ले जा करके और तुरंत उसे मृत्युदंड दिया जाए, दिस इज माय ऑर्डर। कुछ जलीलन कुछ नो सुनना ही नहीं, कुछ नहीं सुनना। विक्रम चलते चलते कहा सुनो चाहे न सुनो हम कहे तो डर भी करो, भैया मैं तो जा रहा हूं लेकिन एक बात ध्यान रखना, अपने भाभी भाभी नहीं रही, तुम्हारा भी जीवन किसी दिन खतरे में पड़ सकता है, इसलिए मेरी बात को इस ध्यान रखना, जा रहा हूं भैया। आप सोच ले भैया त्रिया चरित्रम दयो ना जाना, भाई को भाई से जुदा कर दिया, ऐसी लीला रच दिया, जल्लाद लेकर के विक्रम को जंगल गए,
कहने लगे भैया आप तो तुम्हारी मौत है, लेकिन अगर आप मुझे ना मरवावे तो हम तुम्हें छोड़ दे। विक्रम ने कहा भैया हमारी प्राणों पर आ गई है तो हम तुम्हें क्या मरवाने की बात आपने कैसे सोच लिया। कहा बात इसलिए सोच रहे भैया माना हम तुम्हें छोड़ दे, कभी आकर के राजा के सामने पड़ जाओगे तब तो हमारे प्राण चले जाएंगे ना, या तो भाई वादा करो कि भाई आप कभी इधर लौट के फिर अब सफदरगंज ना देखो लौट, और हम तो वहां कोई प्ररूप दिखा देंगे, ज्यादा वहां दिखावे मंगे हैं तो मंगे हैं, नहीं भूले जी हैं नहीं तो मंगवो करे, तो हम हिरण वगैरह है ना इनकी आंखों पुरुष की आंखें लगभग मिलती हैं उनसे, अरे वो हमारा काम है उसे हम निपटा लेंगे, लेकिन आप इधर दिखाई मत देना भाई। मान लिया बात, विक्रम को मारा नहीं छोड़ दिया। विक्रम जंगल में रो रहे हैं कि अरे भगवान अरे भैया मेरी बात नहीं मानी भाभी के बात के आगे। भगवान मेरे भैया को सलामत रखना। विक्रम उधर सोच रहे हैं, इधर पिंगला एक दिन अश्वपाल के यहां नहीं गई, उस दिन विक्रम आ गए थे रोड़ा पड़ गया नहीं गई, और दूसरे दिन जब पिंगला अश्वपाल के यहां पहुंची अश्वपाल मुंह फेर करके बैठ गया, चली जाए यहां से मत आना। अरे का कम से कम मेरी बात तो सुनो, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, मेरी बात तो सुनो। अरे का क्या सुने, कहा अरे सुनो मैं कल किसी कारण बस नहीं आ पाई। कहा नहीं तुम चली जाओ। अरे कहा नहीं स्वामी, पिंगलाए बोलिए सुनो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, प्लीज तुम गुस्सा मत होना माय डियर अस्पताल। सुनो क्या बोली स्वामी, मुझे धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, केवल आप मुझे हंस करके बोल दे बस जान, बस और कुछ नहीं चाहिए। ना चाहिए मोई महल अठारी, ऐसन बोली पिंगला नारी, ना चाहिए मोई माल खजानो, तुम करो इस आराम में पलंगा पे बैठ के चरण दबाऊं दबाऊं दैया तुम नहीं, प्लीज मेरी बात मानो, गुस्सा मत हुआ करो, मैं तुम्हारे बिन रह नहीं पाऊंगी। कहा नहीं तुम चली जाओ। कहा ए सुनो क्या बोली पिंगला, मैं अगर चली जाऊंगी लेकिन सुनो बैठ कर गम की तन्हाइयां, कर गम की तन्हाइयां में तेरे बारे में सोचा करेंगे, बैठ कर गम की तन्हाइयां में
माय डियर सुनो जान, सामने रख के तस्वीर तेरी उसे दी भर के देखा राम केतार भैया जी की घर मलकिन जी की ओर से समुद्रा सुसलदान भगवान के चरणों में और बदले बाबा के इस पावन स्थान पर 22 नवंबर से 5 दिन की कथा 2020 में होगी। भाई एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें कमेटी का, बोलो बदले बाबा की। अगले साल इसी डेट में फिर 5 दिन की कथा आप ही के द्वारा यहाँ होगी। आज पिंगला बोली, सामने रख के तस्वीर तेरी उसे जी भर के देखा करेंगे। और नाम लिख के हाथ लिख तेरा, नाम लिख के हथेली पे तेरा उसे बार बार चुमा करेंगे। जब सोएगा सारा जमाना, जब सोएगा सारा जमाना तेरी यादों में जाता, माननीय अतुल भैया जी भगेला से इस पिंगला के द्वारा अशुपाल से कही गई इस गजल पर समुदाय फसल दान प्रदान किया है अतुल जी ने। बात मन की भाई गए भैया, जब सोएगा सारा जमाना तेरी यादों में जागा करेंगे। और बदले बाबा के मंदिर में जाकर बदले बाबा के मंदिर में जाकर हर तुमको ही मारा।
आदमी राजेश यादव जी हरदिया निवासी, इनके द्वारा इस पिंगला के द्वारा कही गई गजल पर सौमुद्रा सुसलदान प्रदान हुए। और ये राम केतार जी के द्वारा इस फसल 5 दिन में, आज पहली बार हमारे राम केतार भैया जी के द्वारा इस फसल 101 मुद्रा मिला है भाई, जोरदार तालियों से स्वागत कर दे भाई। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का है, बदले बाबा के स्थान पर सभी लोग आए हैं, सबका कल्याण हो। बदले बाबा के मंदिर में जाकर अरे तुमको ही मांगा करेंगे, नंबर दे देना अपने मोबाइल का। ये तो कहो तब जो चलत ले रहा है आचार्य जी, वरना यह बात कहती, मतलब ये बात प्रमाणित नहीं है, कल्पना है मेरी कि अगर तब ये चलता होता तो ये बात अवश्य कहती, ये कल्पना है। नंबर दे देना अपने मोबाइल का, तो एक भी दिन ना दादा और ये हमारे राम केतार भैया जी की घर मलकिन के द्वारा 500 मुद्रा स्पेशल दान हमको मिले हैं, बदले बाबा कल्याण करें। बोलो कन्हैया लाल की, नंबर दे देना अपने मोबाइल का, एक दिन भी ना नादा करेंगे, बैठ कर गम की तन्हाइयों में राम मिलन यादव जी पहाड़पुर से प्रसाद लेना, सौमुद्रा सुसलदान भगवान के श्री चरणों में, भगवान कल्याण के जीवन मंगल में। और ये मिथिलेश यादव जी, मिथिलेश यादव जी के द्वारा स्पेशल सौमुद्रा इसी गजल पर है, लिखे नहीं जाएंगे। और रमई यादव ये भी स्पेशल दान सौमुद्रा भगेला निवासी, ये भी लिखे नहीं जाएंगे। अच्छा झगड़ू प्रसाद जी के द्वारा 101 मुद्रा स्पेशल दान लिखा नहीं जाएगा। और पवन ट्रैक्टर वाले भैया जी के द्वारा 20 मुद्रा स्पेशल दान, ये सब भगवान के श्री चरणों में। और मनीष भाई किराना से, यानी किराना स्टोर, इनकी ओर से 50 मुद्रा स्पेशल दान भगवान के श्री चरणों में। और सतीश यादव जी के द्वारा 100 मुद्रा स्पेशल दान भगवान के श्री चरणों में। बोलो बदले बाबा की, जनते ने रहा नहीं तनके भजन में सुसल लगता ही नहीं तो हम ये तनके रहा। चलो बड़ा अच्छा, ज्यादा नहीं ठीक होता लेकिन बीच में अगर आचार थोड़ा सा मिल जाता है तो खाने का स्वाद तो बदल ही जाता है नहीं आचार्य जी, इसीलिए थोड़ा आइए। पिंगला ने ऐसा कहा तब भरथरी के यहाँ जो नौकरी करने वाले सुपाल जी थे, उन्होंने पिंगला से कहा अरे रे सुनो 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 गुस्सा मत होना। क्या मैं गुस्सा थोड़ी था, मैं तो बस यूं ही कह दिया, हाय दैया अत्ता झूठ बोल दे हो कि हमारे जान ले जान निकल गया, ऐसा हो जाता है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। आइए भक्तों 5 मिनट का इंटरवल है, फिर आगे की कथा आप लोग सुनेंगे। बोलो कन्हैया लाल की।
अमर फल मिला। पंडित जी ने सोचा हम खाकर क्या करेंगे, महाराज को दे देंगे, महाराज अमर हो जाएंगे तो प्रजा की सेवा करेंगे। लेकर के फल आ गए वहां पर, और जब आ गए राजा जी को फल दे दिया। राजा से कहा, महाराज मैंने बहुत दिनों तक तपस्या किया, उस तपस्या का फल है ये अमर फल, इसकी तासीर ऐसी, अगर आप खा लेंगे तो अमर हो जाएंगे, और हमको महाराज थोड़ा सा धन दे दो तो हम अपनी बेटी का विवाह कर ली। राजा ने देखा अमर फल, अरे कहा जान बताओ तो इतना धन दे दी, अमर फल भाई महान होता, तो इसलिए महाराज ने उस फल को ले लिया। और अमर फल लेकर के राजा साहब उस ब्राह्मण को भाई धन दे दिया, उसे धन की आवश्यकता थी, उसे धन दे दिया। वो ब्राह्मण घर को आया, उस धन को लेकर के अपनी बेटियों का ब्याह किया, लेकिन राजा साहब उस फल को नहीं खाए। महानता तो इस बात की देखो, कोई अमर फल पाए जाओ ना खाए तो क्या बताएं उसकी महानता, समझो दोनों बातें हैं, या तो भाई वो इतना विद्वान है, महान है, तो उसने सोचा हम ये फल क्या करें खा करके, अरे अमर हो जा तो क्या करेंगे अमर हो करके, हमारी पिंगला तो बूढ़ी हो जाएगी, क्योंकि वो अपने से ज्यादा उनको मानते थे भाई पिंगला को। तो उन्होंने विचार किया, अगर जो फल पिंगला खाए ले तो हमको क्या, मेरी नारी अगर अमर हो जाएगी हम तो उनका देख अमर बने रहा उनका। सोच देखो, ये तो सत्य वही हो गई बात भाई कि मोहब्बत से ज्यादा मोहब्बत है तुमसे, कसम से कसम खुदा की जो कहा है सब कुछ। हाँ हाँ, तो भाई इतना मानते थे अपनी महारानी को, फल राजा नहीं खाया। फल राजा जी ने ना खाकर रानी को दीना जाई है, फल राजा ने तो ना खाकर रानी को दीना जाई है। ये अमर फल है महारानी राजा जी रहे फल ले जा करके पिंगला नारी को दिया, कहा ये साहब आज ये स्वामी क्या कहा, देवी जी ये अमर फल है। अमर फल मतलब हाँ ये वो फल है, इसे तुम खा लोगी तो तुम अमर हो जाओगी, और मैं तुम्हें इतना मानता हूँ, इतना मानता हूँ कि जो तुम अमर हो जाओगी मैं तो तुम्हें देख देख करके अमर बना रहूंगा। महारानी ने कहा वाह थैंक यू पिया, आप मुझे बहुत मानते हैं, मैं भी तुम्हें बहुत मानती हूँ, चलो ठीक है। फल ले लिया, महाराज की सेवा में लग गई, तुरंत भोजन वोजन किया महाराज जी को कराई, और पंखा लाके झेली और पांव दाबी। महाराज ने कहा फल हाँ हाँ ठीक स्वामी, अरे फल तो मैं खा लूंगा भाव के साथ में। महाराज सोच रहे मेरी देवी अमर हो जाए, मैं रोज देखा करूं मैं भी अमर हो जाऊंगा। महारानी विचार कर रही कि अगर हम अमरव हो जाव तो कौन हुआ हमका बगिया लगावे, अगर कहीं अस्पताल अमर होगा तो हमारे राज का बाल बांका कभो होए नदी, क्योंकि इतना वफादार, इतना महान, इतना हैंडसम और वीर पुरुष है वो, क्योंकि जो हमारी सेनाएं हैं हम आप यहाँ बढ़िया सुख चैन से खाते और सोते हैं, लेकिन हमारे ही भाई लोग जो बेचारे हर समय वहां पर बैठे पहरा दे रहे हैं हमारे तुम्हारे चैन अमल के लिए, चैन के लिए हमारे वहां भाई जुटे पड़े हैं, है जिनका कोई विशेष वो नहीं है दादा, और जो ले वो लकड़ी और बाल काय मारत हो कोली हो उनका कहा अरबन खरबन मिल जाए, जबकि वो तो हमार अगर हम हो सरकार हमार हो जाए तो दो चीजें तो हम एकदम तुरंत बयान कर दी,
एक तो जो ये जो लकड़ी वो मैं चुका इससे का मतलब बताओ, इसे यह मतलब है कि जितना धन है वही ले जा रहे हैं। 80 करोड़ की कतरा उनके बिहार में लाग रहा है, वह 80 करोड़ यहाँ होते तो हमारे थे क्या जाना था, चिलौकी होरी बढ़िया जाऊन ठनठना जाती, कुछ कहा नहीं भगेला हो स्वर्ग हो जाती। ये एक तो फर्जी क्या, और दूसरा जितना दारू वाला काम है सब बंद। कुछ दिन तक मालहेदन पिए थे उनका खराब लगी गुस्सा ही है, महीना खान बाद कहीं यार काम बड़ा नहीं हुआ, घर में को पैसा नहीं जरूरत रहे, बच्चे पढ़ नहीं पावत रहे, मैं रोक लिए उन्हें काम 10-15 दिन तक तो थोड़ा परेशानी हो भाई, आदत है ना जिस चीज की आदत है तो 10-15 दिन उन्हें महीना दो महीना खराब लगेगा, हम जानते हैं बड़ा खराब लगेगा, लेकिन उसके बाद जब कभी वो सोचेंगे कि यार हाथ कहेंगे यार ये काम तो वास्तव में बहुत सही है। अब ऐसा नहीं कि इसी से सरकार का काम चलता है, तमाम काम है सब पर टैक्स लाग पड़ा, हम कहे चलो भैया 1-1 रुपया सब कहा और बढ़ा लो, लेकिन ये काम तो कर दे टैक्स और आवे लगी। जो बहुत जने कहा थे भगवान करे तुम ना हुआ पहुंचो, अरे हाँ बहुत आओ भागो में ना, उस दिन बताए थे ना इलेक्शन के समय जो लोग दारू वारू पिलाने लगते ना उनको तो बिल्कुल वोट नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो समझ लीजिए एक वोट के लिए तुम्हारा घर बर्बाद कर रहे हैं, तुम्हें बर्बाद कर रहे हैं, तुम्हारे बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए हम अब बता रहे हैं कि अभी इस समय क्योंकि चुनाव का माहौल है नहीं इसलिए बोल रहे हैं, नहीं वरना हम नहीं बोलते, हमें इन चीजों पे बोलना ही नहीं चाहिए, लेकिन बात आ जाती है तो बोले बिना मनो नहीं मानत है ये चीजों में। अच्छा ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने स्वार्थ के लिए भाई किसी को पथभ्रष्ट मत करो, अपना स्वार्थ बनना है और किसी को तुम बहका रहे हो पथभ्रष्ट कर रहे हो 1-2-3-4 दिन या तो फिर भाई वादा करो एग्रीमेंट करो कि हम 5 साल तक या 10 साल तक तुमका लगातार रोज लाग दे आप, तब उसे कोई मतलब नहीं, जब तक वो बटन नहीं दबा तब तक अरे भैया ले अब उसकी वजह जहां बटन दबा भरे कहो लगा लगा निकालने शुरू कर दी, अब तुम्हारे 15-20 दिन में जिंदाबाद पीपा की आदत बन गए, अब उनका तो काम खत्म, अब तुम्हारे वहां का धरा, अब ऐसी चीजें आ दादा बोरी अब धान बांध ही ले जी हो या के राम काम खत्म। हाँ अब मान लिया जैसे कुछ लोग हैं भाई उसी हिसाब से उनकी आमदनी है 500-600 रुपया घंटा चलाओ थे तो कहा यार घंटा में यहाँ तो 2-3 दिन तक मंगन नहीं है, उससे जी की आमदनी माले ट्रैक्टर वाले नहीं कह रहे भैया, एक बात आए बताना ना, कुछ लोग सोचे कि भैया हम क्या कहा थे अरे तुम खा लोग नहीं कह रहे, अरे तो उनकी भैया बात तो असर है, लेकिन एक बात वो समझ नहीं पा रहे, समय जा रहा पैसा भी जा रहा एक चीज गड़बड़ होती जा रही है, जो मेंटेन रहना चाहिए ये शरीर मेन है और ये खोखला होता जा रहा है, समझ अभी नहीं समझ मिल रहा आगे चलकर समझ में मिल जाएगा, ये खोखला होता जा रहा है, पॉइजन अल्कोहल जिसके अंदर जाएगा ये खोखला हो जाएगा, समझाना हमारा काम भाई, सबको रहा समझाई तनी मान जाओ भाई, सबको रहा समझाई तनी मान जाओ भाई, दारू मत पियो या हमारे भी मन चाहे न मन तो इसलिए भाई अर्जी हमारे है मर्जी आपकी है, अच्छा बात आई तो हमने बता दिया। आज पिंगला ने विचार किया कि अगर ये फल अश्वपाल खा लेगा तो हमारे राज्य की रखवाली करेगा और बढ़िया अच्छी बात है, बस इसलिए उसने विचार किया, राजा साहब को भोजन भाव कराने के बाद सुला दिया, अपना घोड़े पर बैठी फल ली और लेकर के फल अश्वपाल के पास पहुंच गया। अश्वपाल से कहा देखिए आज मैं कितना महान काम करके आई हूँ, कहा कौन सा काम कौन बात जग जीत के आई हूँ, काला जग युद्ध फल लेकर के मैं आया और ये वो फल है जिसे अगर खा लो तो अमर हो जाओगे,
मेरे स्वामी मुझे इतना मानते हैं कि खुद बेचारे नहीं खाए और हमको दिया, लेकिन मैं तुमको इतना मानती हूँ कि मैं अमर फल ना खा करके तुमको दे रही हूँ कि तुम खाकर अमर हो जाओ और मैं तो तुम्हें देख कर अमर बनी रहूंगी। कहा बड़ी अच्छी बात है भाई। उसने उनको समझाया, बैठे बातें की और वो वहां से चली आई। जब चली आई तो बात यह है कि फल सपाल भी नहीं खाया सोचने की, तो ये बात यहां पर आ गई। दादा राजा नहीं खेन रानी के लिए, रानी नहीं खेन असपाल के लिए, लेकिन असपाल क्यों नहीं खाया? क्योंकि अरे नाल पिंगला से ज्यादा बैस्या से पीत लगा। बाकी कोई नहीं भैया, कोई जाल में फंसा, कोई जंजाल में फंसा, कोई महाजाल में फंसा, कोई माया जाल में फंसा, कोई भ्रम जाल में फंसा, फंसे सब कौनो न कौनो, कोई पालेसर में, कोई खेती बाड़ी में, कोई ड्यूटी में, कोई ड्राइवरी में, बहरहाल सब माया के चक्कर में फंसे हैं दादा। नार पिंगला से ज्यादा वैश्या से प्रीति लगाए। इसीलिए बेअसपाल उस फल को नहीं खाए। का इस फल को तुम खा लो, और इस फल को तुम खा लोगी तो अमर हो जाओगी, और तुम खाकर अमर हो जाओगी फिर मैं तो तुम्हें देख के अमर बना रहूंगा। मैंने कहा भाई हमको बहुत मानते थे, हम आज से माने, बहुत पहले गाना गाए थे ना, शादी पहले बीमार रह लू बेमान का ऐसा कुछ जैसा भी वो। खैर बढ़िया भाव से पिंगला को फल दिया और अश्वपाल वापस गए हो आई। गवाई सोई फल वैसे ना खाई, अब बात अब वैसे नहीं खाई। वैसे ने क्यों नहीं खाया? वैसे ने विचार किया, न जाने कितने हमने पाप की जो हमको वैसे का शरीर मिला, जिसको सेक्स वर्कर कहते हैं। वैसे का शरीर हमको मिला और हम बताओ पूर्व जन्म के सब पाप थे भाई। नहीं हमें किसी अच्छे घर में हमको अवतार मिल जाता, मैं भी नारी सम्मान होता है, नारी का महान नारी है, नारी सती है, नारी अनुसुईया है, नारी नारी महान है, लेकिन भाई मैं ऐसे कर्म करके आई थी जो मुझे वैश्या का जन्म मिला। और न जाने जब वैश्या का जन्म मिला तो भाई हमारा काम यही थी, न जाने हम कितने लोगों को नाच दिखाए, न जाने कितने लोगों के पैसे ठग लिए।
कोई 20 रुपया देता है ये गाना सुना, गाना उनका मालूम है कौन है, सब गाना खाली एक लाइन मालूम होती, वो गाना एक लाइन बोली पहले दूसरे नाम नहीं आवा तो वही लाइन फिर दोहरे आग बोलती है, पहले दूसरा आग वहाँ फिर से जो ने वो गाना ले 20 रुपया बस वही गाना लाइन बोल दी, वही गाना बोलते हैं तीसरका आएगा नहीं वो काटी काटा हो नहीं ड्रामे अनिल और फिर कहा 50 100 पर जाए कटे कटा के मरी है भाई। हाँ अब वो यह तो ना काटत काटत रात के काम का तुम 100 रुपये बैठ ले मुँह बनाए बैठ सब कहा करे बेचारे लड़के। हाँ हाँ अच्छा हमरे में ऐसा है हमरे कुछ है महानता इसलिए कि हमका कहूँ मिले हो तो जयराम जरूर कर हमका हिया पैसा दो चाहे ना दो कथा सुने ही हो भाव प्रेम हमसे हो जी हमरे लगे ही हो तो सेफ क्याला लड्डू जोन हो सकी वह दे आप और की बात कहो गली मगर पैदल जात हुई हो और देख जाओ अरे रे आओ आओ अनिल भाई आओ पवन भाई सब जीका जीका जाने हो तो भाई तुरंत बैठा ले आप लेकिन उनका रात भर तो तुमका खूब बकई है आओ का चक्कर मकर कर दिए इतना कहो हाँ लेकिन गली में कहो अगर तुम नमस्ते कर लो तो अरे तुम्हारी संख्या पीछे बहुत ले लगाओ चलो वाह वाह और तब हम अत्य बुद्धिहीन हैं कि तब लुटाए नाबका है ना तबका है ये सोच लीजिए 10-20 रुपया अगर कहो तुम गए दुकान पर बैठ खा ले हो तो तुम्हारे शरीर पर क्या होएगा अबका और कहो अच्छे काम में लगा दे हो तो होएगा तबका और बैसन मार के स्टम जो लुटा दे ना वो अबका ना तबका का हो नहीं इसलिए ये बात का जरूर ध्यान रखियो भैया ना वो खा रही ना वो तबका रही और ये तो धन आवे वो तो धन जाए वह वाली कहानी तो इसलिए ऐसा कार नहीं होना चाहिए ऐस करो चाहे अबका हो चाहे तबका हो लेकिन ना अबका ना तबका जो बिल्कुल काम ना करना चाहिए। वैसा ने विचार किया इसलिए कि मैं खा करके हमारा घर हो जाए तो जाने कत आरती बदले बाबा की आरती बदले